हेलो दोस्तों, आज मैं 2020 दी एक्शन कोरियन फिल्म नू रिकैप करन जा रहा हाँ, जिसनू गैंग कहा जांदा है। ए फिल्म एक बदमाश विद्यार्थी बारे है जिसनू काट दित्ता गया है अते किसी होर स्कूल विच भेज दित्ता गया है। उसका नवा स्कूल विलखण है जिथे सारे विद्यार्थियों दा घटो घट एक अपराधिक रिकॉर्ड है। उत्थे लड़ाई दी इजाजत है अते एक टूरनामेंट दे रूप विच भी तैयार कीता गया है जिथे हर कोई सट्टा लगा सकता है। ता ए विद्यार्थी उत्थे किवें है, की ओ अजे भी बदमाश है, आओ इसनू लभिए। फिल्म दी शुरुआत जी नाम दे एक व्यक्ति नाल हुंदी है जो असल विच हाई स्कूल दा विद्यार्थी है। गैंगस्टर होण अते होर विद्यार्थियों नाल धक्केशाही करन कारण उसनू प्रिंसिपल वल्लों स्कूलों कट दित्ता जाना है। उसकी वड्डी भैण प्रिंसिपल नू स्कूल छड्डन दी बजाए उसनू हल्की सजा देण लई कह के मनाउण दी कोशिश करदी है, पर बहुत ज्यादा व्यवहार कारण ओ फिर भी बाहर हो जांदा है। फिर भी ओ इसकी परवाह नहीं करदा अते प्रिंसिपल दा मजाक भी उड़ा रहा है, इस करके प्रिंसिपल उसनू दूजे स्कूल विच भेज दिंदा है। ए एक अनजान फसिया स्कूल है जो असल विच एक साबका जेल दी इमारत सी। विद्यार्थियों दा घट्टो घट एक अपराधिक रिकॉर्ड भी है। अगले दिन जी उत्थे जांदे हन अते इस स्कूल उत्ते राज करन दी अपनी इच्छा दसते हन जिवें कि ओ पहला करदे सन। अचानक एक गेंद उसदे चेहरे नू मारदी है अते एक बदमाश गैंग उसदे कोल आ जांदा है। उन्हां नू देख के जी बहुत उत्साहित हन अते उन्हां सारिआं नाल लड़न वाले हन। जदों ओ उन्हां नू मारना चाहुंदा है तां अचानक ओ जी तों मुआफी मंगदे हन अते कहंदे हन कि ए एक हादसा सी। ओ उसदे चेहरे बारे पुछ के भी उसदा ध्यान रखदे हन। हुण जी इस बारे बहुत उलझन विच हन। फिर ओ गंदे कमरे विच प्रिंसिपल नू मिलदा है। फिर प्रिंसिपल उसदी प्रोफाइल दी जांच करदा है। प्रिंसिपल उसदे अकादमिक दी परवाह नहीं करदा अते उसनू उसदे लड़न दे हुनर बारे भी पुछदा है, जिस नाल जी होर उलझन विच पै जांदे हन। प्रिंसिपल उलझन दा जवाब नहीं देना चाहुंदा अते सिर्फ उसनू अपनी क्लास विच जाण दा आदेश दिंदा है। क्लास दे रस्ते विच एक गूकी चेहरा विद्यार्थी है अते जी उसनू पुछते हन कि उसदी क्लास दा स्थान किथे है। ए विद्यार्थी इसदा जवाब दयालता नाल दिंदा है, पर ओ जी द्वारा धक्केशाही करदा है। अपनी क्लास विच पहुंचन ते जी सिद्धा उन्हां नू पुछते हन कि उत्थे सब तों मजबूत कौन है अते फ्यूज भी बनाउंदा है, पर हर कोई उसदी परवाह नहीं करदा अते उसनू नजरअंदाज करदा है। पिछला बल्लर आदमी उत्थे है अते जी नाल गल करन दी कोशिश करदा है। अचानक दोपहर दे खाने दी ब्रेक दी घंटी वज्जी अते उत्थे मौजूद हर कोई क्लास छड्ड रहा है। जी उन्हां सारिआं दा पिछा करदे हन अते उसनू बेसमेंट विच लै जांदे हन। ए पता चलदा है कि लगभग सारे विद्यार्थी उत्थे हन अते ए एक नाइट क्लब वर्गा लगदा है। उत्थे मुख पड़ा एक लड़ाई दा अखाड़ा है जिथे ओ हर रोज एक एक करके लड़ रहे हन। बैलर उसनू दसदा है कि ए एक विद्यार्थी वजों साडी मुख गतिविधि है जिथे लड़ाई लाजमी है अते अधिकारत तौर ते। दूसरा भी सट्टा लगा सकता है अते सानू सट्टेबाजी अते लड़ाई तों बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इत्थों तक कि कुछ अध्यापक भी इत्थे पैसे कमाउण लई आउंदे हन। एक अजीब नियम भी है जो जी भी पता होना है, ओ मैदान तों बाहर कोई लड़ाई नहीं कर सकते। ए नियम इस लई तय कीता गया है क्योंकि सारे विद्यार्थी अपराधी हन अते ओ सोच रहे सन कि इत्थे लड़ाई नू कानूनी अते अधिकारत बनाउणा चंगा विचार हो सकता है। इस लई सब तों मजबूत राजा होवेगा अते अध्यापक भी अनचाहे हादसियां नू रोक सकता है, जिवें कि कतल। हुण राजा एक विद्यार्थी है जिसनू आयरन फिस्ट कहा जांदा है। ओ एक बहुत मजबूत विद्यार्थी है जिसकी झलक एमएमए नेशनल क्लब द्वारा भी है, पर हुण ओ हादसे कारण लापता है जिस करके हुण राजे दी पदवी दा शिकार हो गया है। तीन मजबूत उम्मीदवार विद्यार्थी हन। पहला गिटेइना दा जूडो एथलीट है जो तुहाडियां हड्डियां नू आसानी नाल तोड़ सकता है। दूजा एक साइकोपैथ लड़ाकू है जिसनू हॉट डॉग कहा जांदा है क्योंकि ओ अपने परिवार दी मौत तों बाद एक पागल लड़ाकू वांग सी। अते आखरी एक सिख है जो असल विच समुचे तौर ते सब तों वधिया उम्मीदवार है। लगभग हर कोई उसनू अगला राजा बनन लई सट्टा लगाउंदा है। ए पता चलदा है कि सिख असल विच साबका गीकी हैंडसम चेहरे दा विद्यार्थी है अते जिने उसनू पहला ही धक्केशाही कीती सी। अगले दिन जी सिद्धा ही उसदे नाल लड़न लई सिख कोल आउंदा है, पर शांति नाल उसने अपनी पेशकश नू ठुकरा दित्ता। ओ अजे भी उसनू लड़न लई कहण लई अड़ी है। ए देख के सिख ने उसनू सबक देण लई अपने अधीन अधिकारियां नू बुलाया। उन्हां दे शरीर नू देख के जी हैरान हो जांदे हन। अंत विच जी नू कुट्टिया जांदा है अते धक्केशाही कीती जांदी है। ओ उसनू नंगा करदे हन अते ए पता चलदा है कि ओ हैलो किटी अंडरपैंट्स दी वरतों करदा है। ओ इसदी तस्वीर लै के स्कूल विच फैलाउंदे हन। हुण हर कोई उसनू हैलो किटी कह रहा है।
उस दुर्घटना तो बाद चीदी अभिलाषा वध गई अते हेठले रैंक तो शुरू होके फाइट क्लब नू रजिस्टर कीता। उत्थे ओ देखता है कि सिख लड़ रहा है अते अपने दुश्मन नू आसानी नाल खड़कांदा है। जी चटका दिंदे हन अते हुण ओ उस तो डरदे हन। अगले दिन ओ उत्थे अपनी पहली लड़ाई शुरू करदा है। भरोसे नाल ओ अपने दुश्मन नू घट समझदा है, पर ए पता चलदा है कि ओ कई वार मारिया जांदा है अते इत्थों तक कि कोने विच भी जांदा है, क्योंकि ओ सिर्फ स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल बारे जानदा है। हुण ओ असल लड़ाई शैली दा आदी हो जांदा है अते चीज़ां नू मोड़ दिंदा है। उसदे सिर दी वरतों करके उसने उसनू हेठा सुट दित्ता अते उसदा पहला मैच जित लिया। नतीजा देख के हर कोई हैरान रह जांदा है अते ओ बाजी तों अपना पैसा गुआ बैठता है। फिर भी ची अजे भी अपने हुनर तो संतुष्ट नहीं हन अते सखत अभ्यास करना शुरू कर देंदे हन। दिन बब्बा दिन ओ एक होर मैच जितदा है अते उस तो कुछ पैसे प्राप्त करदा है। दूजे पासे प्रिंसिपल जी कारण अपनी बाजी हार के दिवालिया निकलदा है। ओ गीटी नू अगले मैच विच उसनू हराउण दा हुक्म दिंदा है। ए जानदे होए कि उसदा अगला मैच एक जूडो अथलीट नाल है, जी यूट्यूब तो सिखदे हन कि एक जूडो अथलीट नाल लड़ाई किवें जितनी है। अगले दिन उसदा मैच आ रहा है। मैच दी शुरुआत जी ने उसदे चेहरे ते कई वार मुक्के नाल कीती, पर कीती नू कुछ भी महसूस नहीं हुंदा अते कई वार उसदे शरीर नू बुरी तरह मारदा है। ए पता चलदा है कि ओ हुण अपने कपड़े उतार के जूडो अथलीटां दे खिलाफ अपनी चाल वरत रहा है, इसलिए ओ उसनू आसानी नाल स्लैम नहीं कर सकता। इस चाल दी वरतों करन नाल जी नू दोबारा कोई स्लैम नहीं मिलदा अते उसनू वार वार कुटदा है जदों तक ओ हेठा नहीं आ जांदा। हुण हैलो किटी ने भी विद्यार्थियों दा दिल जीत लिया है। ए सुन के हॉट डॉग उसनू ललकारन लई आ गया। बिना कुछ कहे उन्होंने अपने मैच दी तारीख तय कर दित्ती है। तारीख आ गई है अते दोवां नू भरोसा है कि ओ मैच जीतणगे। जदों मैच शुरू हुंदा है जी अपनी आम लड़ाई शैली नाल लड़दे हन, पर हॉट डॉग दी लड़ाई दा अंदाज वखरा है। ओ बहुत तेज है अते एक पागल आदमी वांग उसनू हराउण दे योग है। हुण मैच ते हॉट डॉग दा दबदबा है जदों तक अचानक उसदा ताजी डिग पिया अते चला गया। क्योंकि ओ अपने ताजी नाल बहुत ज्यादा विश्वास करदा है, ओ अपना शांत हो जांदा है अते जी उसनू कई वार आसानी नाल कुट सकते हन जदों तक ओ हेठा नहीं आ जांदा। अज हर कोई उसनू जेतू दे तौर ते खुश करदा है। हैरानी दी गल है कि ओ वापस आ गया है। इस स्कूल विच लापता राजा, उत्थे हर कोई हैरान है। अगले दिन सिख लोहे दी मुट्ठी नू मिलदा है। ओ उसनू उना दे लड़न वाले क्लब विच दखल ना देन लई कहंदा है, पर ओ सिख नू नजरअंदाज करदा है अते इत्थों तक कि ओ उत्थे दे हर नियम नू मिटाउणा चाहुंदा है। ओ चाहुंदा है कि विद्यार्थी किसे भी समय अते किते भी लड़न। ओ मौत तक लड़ना भी चाहुंदा है। ए सुन के सिख ने उसनू धमकी दित्ती अते ओ चले गए। ओ बेसमेंट विच जाके इकल्ले लड़न लग पैंदे हन। अपनी एमएमए लड़न दी शैली दी वरतों करके ओ उसनू लाक करन दी कोशिश करदा है, पर अजिहा लगदा है कि ओ बहुत मजबूत है अते एक मजबूत पंच तो सिख दे के अपना ताला छुड़ाउण दे योग है। फिर सिख नू उसदे शरीर ते कुछ सट्टां लगदियां हन अते लोहे दी मुट्ठी उसदे चेहरे नू उदों तक कुटदी है जदों तक ओ हेठा नहीं आ जांदा। इस तो संतुष्ट ना होण करके ओ सिख दे मातहत नू भी बुरी तरह कुटदा है। चीटी अते हॉट डॉग नू भी उस द्वारा कुटिया जांदा है। हुण राजा वापस आ गया है अते स्कूल ते राज करदा है। हर किसे नू उसदा हुक्म मनना चाहिदा है, नहीं तां ओ कुटणगे। उना विचों कुछ तां जबरदस्ती उसदे अधीन भी हन। कई महीने बीत जांदे हन अते कोई भी बेसमेंट विच दोबारा नहीं लड़दा। हर कोई अपने काम सुतंत्रता नाल नहीं कर सकता। जी समेत जिस नू उसदे दोस्त बैलर द्वारा छुपाउण दी सिफारिश कीती जांदी है। एक दिन लोहे दी मुट्ठी आखिरकार जी नू लभ रही है। ओ बैलर नू अपने मुँह ते लैण लई कहंदा है, पर बलकार जी नू भी कह दिंदा है तां ओ लुक के भज सकता है। ए पता चलदा है कि आयरन फिसट इस नू जानदा है अते उस नू बुरी तरह कुटदा है। ए जानदे होए कि उसदे सब तो चंगे दोस्त नू कुटिया जांदा है, ओ इस बारे यकीनी बनाउण लई वापस आउंदा है। जदों बैलर नू कुटिया अते तक्केशाही हुंदी देख के ओ अचानक खुद ही लोहे दी मुट्ठी ते आ जांदा है। जदों ओ उस नाल एक दूजे नाल लड़ना चाहुंदा है तां लोहे दी मुट्ठी उस नाल लड़न लई बहुत आलसी जापती है अते अपने अधीन अधिकारियां नू उस कुटण दा हुक्म दिंदी है। नंबर होण करके जी कुट पए, पर अजिहा प्रतीत हुंदा है कि जी दे साबका दुश्मन उसदी मदद करन लई आउंदे हन। कीते हॉट डॉग अते सिख उन्हां नू कुटण लई आउंदे हन। हुण लोहे दी मुट्ठी नू जी नाल लड़ना पवेगा। ओ अजिहे कमरे विच जा रहे हन जिथे कोई दखल नहीं दे सकता। उत्थे ओ चपटमारां दा आदान प्रदान करदे हन अते संतुलन विच लड़दे हन।
फिर भी अपनी ताकत दे कारण जी होर नुकसान लेंदे हन अते नुकरे हो जांदे हन। पर उसकी अभिलाषा अते इस अपराधी नू खत्म करन दी उसकी प्रेरणा दे कारण ओ चीजा नू उलटाउण अते उसनू हेठां दबण दे योग है। फिल्म दे अंत विच बेसमेंट विच फिर तो भीड़ हो रही है, लड़ाई भी जारी है बिना सट्टे दे। ए पता चलदा है कि आयरन फिसेट दोबारा गायब है जी अते सिख दी आखरकार फाइनल टूर्नामेंट ब्रैकेट विच लड़ाई है। सब्सक्राइब करना यकीनी बनाओ अते सूचनावां नू चालू करो तां जो तुसी इस तरह दे होर वीडियो देख सको। देखण लई धन्नवाद अते अगली वार मिलांगे।